तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके चैनल पे एटमिक्स व्लॉग्स पे। तो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें आपको मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी मेडिसिन दी थी स्किन इन्फेक्शन के लिए। मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि जो मैं मेडिसिन बताने वाला हूँ वो डॉक्टर ने मेरे डॉग को सजेस्ट की थी, जो कि स्किन इन्फेक्शन और स्किन एलर्जी के लिए। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि आप भी ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप आपका डॉग का जो स्किन एलर्जी या स्किन प्रॉब्लम अगर आपके डॉग को है तो आप अपने डॉक्टर की राय ज़रूर से लीजिएगा। हालांकि इसमें से जो एक मेडिसिन है वो मैं आपके लिए सजेस्ट कर सकता हूँ, बट बाकी की आप अपने डॉक्टर की राय ले के दे तो ही अच्छा है, क्योंकि स्किन इन्फेक्शन बहुत सारे टाइप के आते हैं, कभी नॉर्मल, कभी ज़्यादा, किस किस में थोड़ा बहुत पस जैसा निकलता है तो उसमें बहुत सारे, किस में पानी निकलता है, किस में पूरा हेयर फॉल चला जाता है, तो ऐसे बहुत सारे स्किन इन्फेक्शन होते हैं, तो उसके हिसाब से आपको जो है दवाई करनी पड़ती है। तो आज की इस जो वीडियो में मैं आपको मेरे डॉग को कौन कौन से दी वो बताऊंगा। तो ज़रूर से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, ये रहा हमारा पैकेट पूरा यहाँ पे आ चुके हैं, इसमें बहुत सारे मेडिसिन वगैरह थी, तो वीडियो में मैं कवर नहीं कर सकता था इसलिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई, क्योंकि इसमें आपको और भी कुछ बता सकूँ मैं। तो सबसे पहले ये जो मेडिसिन है वो एक टाइप का मल्टीविटामिन दिया है डॉक्टर ने, जो कि हीमोग्लोबिन डॉग के अच्छे बनाए रखता है। इसमें कुछ मल्टीविटामिन विटामिन की कमी हो शरीर के अंदर वो भी पूरी करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी इसकी जानकारी भी लिखी है, तो यहाँ से भी आप जो है इसको पढ़ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विटामिन्स वगैरह सब कुछ इसके अंदर आ गया, ताकि डॉग की कंडीशन अच्छी रहे। और ये जो है सुबह शाम आपको जो है एक एक आधा आधा ढक्कन आप दे सकते हो उसको। तो दूसरी जो मेडिसिन है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो दूसरी जो ये दी है, ये टैबलेट उनके हेयर के लिए दी है, ताकि हेयर उसका काफ़ी अच्छा से हो जाए और हेयर काफ़ी शाइनी भी हो जाए, क्योंकि स्किन इन्फेक्शन के चलते क्या होता है, ये जो कोट है वो ख़राब हो जाता है, तो इसका कोट भी इम्प्रूव करता है, स्किन इम्प्रूव करती है। तो ये भी जो सुबह शाम आपको देनी है। तो इसका सबका प्राइस मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ कि कितने में दिया है। तो फिलहाल मैं जो नेक्स्ट है वो निकाल लेता हूँ। तो ये पाउडर दी है, जो कि डॉग के एनर्जी के लिए और डॉग की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है। इसके कारण अगर डॉग को इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है तो वो भी रुक सकता है, और डॉग के हेयर भी काफ़ी अच्छे होते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ सकते हैं कितना है कितना है, ये भी आपको सुबह शाम देना है। तो ये भी मैं सुबह शाम देता हूँ, आज से जो है सारी इसकी दवाई चालू हो जाएगी। हालांकि रात को कल मैंने ट्यूब भी लगाई थी, क्योंकि एक साथ से सारी जो दवाई एक साथ चालू करे तो ज़्यादा असर करती है। तो जो नेक्स्ट है वो है क्रीम आती है, ये जो क्रीम आप अपने डॉग के लिए भी लगा सकते हैं, ये नॉर्मल कैट्स के लिए भी आती है। तो ये अच्छी क्रीम है, ये 100 ml का आता है, इसके अंदर ये एंटी फंगल एंटी बैक्टीरिया ऐसे में इसका आप काम करता है। तो ये पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा कुछ लिखा है कि कैसे कैसे स्किन इन्फेक्शन के लिए ये जो है यूज़ होती है। तो अगर आपको डॉग को एकदम माइनर या नॉर्मल है तो आप ऐसे क्रीम लेके आ सकते हैं, ये जो मैं आपको यही जो है सजेस्ट कर सकता हूँ, बाकी आप अपने डॉक्टर की राय लेके दे सकते हो। तो जो दूसरी जो क्रीम है वो काफ़ी ज़्यादा ये जो है डॉक्टर जो सजेस्ट करे आप तो ही आप ये ले सकते हैं। ये भी जो है शाम को लगाने की है और वो मॉर्निंग में लगाने की है, तो ये भी काफ़ी अच्छी क्रीम है। तो आपको इसका मैं आपको थोड़ा ढक्कन भी खोल के दिखाता हूँ किस टाइप की आती है। तो इसमें पहले जो है मेरे पास दूसरी देते थे, पर अभी ये जो अच्छी सजेस्ट कर रही है इन्होंने, तो ये जल्दी ख़त्म हो जाती है, दिखती बड़ी है बट 4-5 दिनों के अंदर ख़त्म हो जाती है। जितना स्किन इन्फेक्शन ज़्यादा हो तो जल्दी ख़त्म हो जाती है, और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। तो इसका प्राइस मैं आपको आगे बताता हूँ। और जो लास्ट हमारी मेडिसिन दी है वो है टैबलेट है एक तरह की, जो कि ये सुबह डॉग को एक एक देनी है। ये काफ़ी अच्छी टैबलेट है, इससे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और जो सब कुछ जो है वेट पेट का है शायद से, मेरे को देखने दो एक बार। वेट लाइफ, हाँ वेट लाइफ के जो है ये प्रोडक्ट डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया, तो अच्छे है ये प्रोडक्ट। बस आपको जो है रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना है और टाइम टू टाइम इनको देना है। तो सबसे पहले मैं आपको सबके कॉस्ट बता देता हूँ क्या क्या कॉस्ट है। तो गाइस, सबसे जो टैबलेट का जो रेट है वो है 340 रुपीज़ का है। तो ये टैबलेट 10 दिन के लिए आपको चल जाएगी, मॉर्निंग में आपको एक एक देना है। और दूसरा जो है इसका रेट आपको बता दूँ 490 रुपये के आसपास ये आती है। ये भी काफ़ी अच्छी सिरप है, पर ये थोड़ा बहुत ऑयली जैसा आएगा, तो आपके डॉग को आप आराम से आपको पिलाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत ऑयल जैसा आपको लगेगा पिलाते टाइम पर, और ढक्कन भी काफ़ी ज़्यादा ऑयल जम जाता है। और ये जो ये थोड़ी बहुत आपको कॉस्टली तो नहीं पड़ेगी, बट ये 160 रुपीज़ के आसपास आपको आ जाएगी। तो आप बार्गिंग करके 150 भी कर सकते हैं इसका। तो ये सब कुछ जो है मैंने थोड़ा बहुत इसका डिस्काउंट लेके 100 रुपीज़ का डिस्काउंट उन्होंने कर दिया था। और जो दूसरी जो सिरप है वो मल्टीविटामिन का है, तो ये भी
340 रुपीज़ की है, तो ये भी 340 के आसपास आपको मिल जाएगी। बार्गिंग करके 10 रुपये वो लोग लेस कर देते, ज़्यादा नहीं करते। और ये पाउडर है, इसका भी मैं आपको रेट बता देता हूँ, ये 190 रुपीज़ की है, तो ये भी आपको 10 या 10 या 20 रुपीज़ आपको जो है डिस्काउंट कर देते। अगर आप ऑनलाइन लेते तो आपको और बेनिफिट मिल सकता है। तो गैस ये जो लास्ट वाली क्रीम है ये 290 रुपीज़ की है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी है ये दवाई, अपन काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेनिफिट करती है आपके डॉग को, अगर स्किन इन्फेक्शन है तो भी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। तो गाइस ये था पूरा जो है मेडिसिन वगैरह दी थी। और आपको एक और बात बता दूँ, जो कि स्किन इन्फेक्शन का जो इंजेक्शन लगे थे, वो 2 इंजेक्शन लगे थे, तो उनका कॉस्ट करीबन 300 रुपीज़ के आसपास हो गया था। और जो वैक्सीनेशन दी थी डॉक्टर ने, वो उसका प्राइस कुछ 1400 रुपये के आसपास ले लिया, यानी टोटल दोनों का मिला के 1400 रुपये के आसपास ले लिया। और ये जो टैबलेट है और जो मेडिसिन है वो अलग से हो गया, यानी कुल मिला के कुछ 3000 या 3200 के आसपास जो है खर्चा हो गया था। और अभी तो इसका डॉग फूड वगैरह लाने का बाकी है, तो वो मैं ज़रूर से आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि क्या क्या लाने वाला हो। बहुत कुछ ऐसा लाने वाला जो कि उसके अच्छे हेल्थ के लिए काफ़ी इंप्रूव रहेगा, और आप भी जो है ला सकते हैं। सो गाइस आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक से जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। और जो अगर आप कुछ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा एटमिक्स चैनल है, उस पर बहुत सारे रेगुलर वीडियो आते हैं, तो वहाँ पे भी जाके आप वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।